हम अक्सर देखते हैं कि आईएएस के रिजल्ट निकलते हैं या 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट निकलते हैं, तो एक तरफ तो खुशियों का माहौल नजर आता है, कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं, लेकिन वहीं डिप्रेशन का भी एक पूरा माहौल नजर आता है। लोग खुदकुशियां कर रहे होते हैं, कुछ लोग खुदकुशी के अटेम्प्ट में पकड़े जाते हैं। डिप्रेशन बिल्कुल एक ह्यूमन चीज है, एक इंसानी चीज है, जो हर इंसान को किसी न किसी वक्त कभी न कभी लाहक हो सकता है, उसे उसका शिकार होना पड़ता है। इंसान जिंदगी में कई मौके पर किसी भी छोटी छोटी चीज को या बड़ी से बड़ी चीज को लेकर टेंशन में मुब्तला हो जाता है। ये टेंशन अगर इंसान अपने दिल में छुपाए रखे या इस टेंशन को बहुत ज्यादा इस पर सोचे, विचारे, इसको बहुत बहुत ज्यादा मतलब अपने दिल में ही बढ़ा चढ़ा कर बयान करे, तो ये टेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रिजल्ट होता है। और यही स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रॉनिक डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसके लिए डॉक्टर्स मेडिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में, जिसमें हर आदमी बहुत बिजी नजर आता है, किसी आदमी के पास जरा सा टाइम नहीं है, उसमें हम देखें तो डिप्रेशन एक बिल्कुल नेचुरल चीज नजर आती है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे 2री क्लास में 3री क्लास में पढ़ने वाले कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमें सिलेबस का टेंशन है, हमें एग्जाम का टेंशन है। तो हाउ टू कोप विद डिप्रेशन, ये एक असल सवाल बनकर हमारे सामने आता है कि डिप्रेशन का इलाज क्या है। लेकिन इस सवाल पर जानने से पहले हमें ये चाहिए कि हम दो सवालों का जवाब निकालें, ताकि डिप्रेशन को कोप करने के मीन्स की तरफ ध्यान दे सकें। पहला सवाल ये है कि डिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डिप्रेशन, और दूसरा सवाल ये है कि डिप्रेशन क्यों होता है, व्हाई समथिंग रिजल्ट्स इन डिप्रेशन। सबसे पहले ये कि डिप्रेशन क्या है। हम देखते हैं कि किसी की नौकरी छूट गई, या कोई इम्तिहान में फेल हो गया, नाकाम हो गया, या किसी के अपने दोस्त से लड़ाई हो गई, तो अब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार हो गया। ऐसी हजारों वजह हो सकती है, कई कई कॉजेस हो सकते हैं जो डिप्रेशन होता है, लेकिन इन सारे कॉजेस को अगर हम फिल्टर करें, कॉम्प्रेस करें, तो एक कॉज उभर कर सामने आता है कि इंसान अनथक जद्दोजहद करता है किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए, और जब इस अनथक जद्दोजहद अपने आप को पूरा लगा देने के बावजूद, हर हर कोशिश कर लेने के बावजूद वो चीज उसको हासिल नहीं हो पाती, अपना मकसद वो अचीव नहीं कर पाता, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये डिप्रेशन क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब है। अब डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी मकसद, जो भी गोल हमने अपने आप के लिए डिफाइन कर रखा है, वही गोल सब कुछ है। अगर मुझे अपना करियर में एक डॉक्टर बनना है, तो 12th का रिजल्ट मेरे लिए सब कुछ है। 12th के रिजल्ट में अगर मेरा रिजल्ट खराब हो गया, तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा, कि 12th के रिजल्ट पर ही मेरा सब कुछ निर्भर करता था। अगर मेरा एम आईएएस में बैठना है, आईएएस को अचीव करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, और आईएएस के इम्तिहान में मैं नाकाम हो जाऊं, तो मैं सोचूंगा नहीं, अब तो बस दुनिया खत्म हो गई है, इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, और मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। यानी जो बेसिक कॉज है डिप्रेशन का, वो ये है कि इंसान नतीजा पर अपने आप को सब कुछ समझ लेता है। वो सोचता है कि जितनी कोशिश मैंने अपना नतीजा, अपना गोल हासिल करने में लगा दी, सारी कोशिशें बेकार हो गई, और ये कोशिश बेकार होने का जो एक दर्द है, वो दर्द डिप्रेशन में रिजल्ट हो जाता है। इन दो सवालों के बाद कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन क्यों होता है, आइए हम देखते हैं कि डिप्रेशन को कैसे कोप किया जा सकता है, डिप्रेशन का हल क्या है। डिप्रेशन का हल जो सबसे अच्छा हमारे सामने नजर आता है, वो डिप्रेशन का हल रिलीजन पेश करता है। रिलीजन कहता है कि तुम्हारी कोशिशों पर कोई चीज डिपेंड नहीं है, जो कुछ होता है वो ईश्वर करता है, वो गॉड करता है, वो अल्लाह करता है, और सारी चीजें उसकी विल पर डिपेंड है। अगर वो चाहेगा तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर वो चाहेगा तो तुम नाकाम हो जाओगे, तो तुम्हारी कोशिशों पर कोई चीज डिपेंड नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये ख्याल रखना होगा कि जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। ये ख्याल अगर इंसान अपने जहन में बिठा ले, तो वो डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो रिलीजन का अप्रोच है, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं जो स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई की हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं समझ लूं कि मैं मेरे इम्तिहान देने से, इम्तिहान के लिए कोशिश करने से, या पास होने का कोई भी चीज मेरी स्टडीज से रिलेटेड नहीं है, मैं कितना भी हार्डवर्क करूं, कितना भी मेहनत करूं, मैं कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि गॉड ना चाहे इस बात को, तो ये चीज एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये प्रॉब्लम होती है कि लोग कोशिशें करना ही छोड़ देंगे, लोग सिर्फ सोचेंगे कि अरे जो कुछ गॉड करेगा वो हो जाएगा, और लोग कोशिशें करना बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ कि इंसान ने ये सोच लिया कि डिप्रेशन का इलाज यह है कि जो होगा वो अच्छा होगा, इस बात पर यकीन कर लिया जाए, और उसने कोशिशें करनी छोड़ दी, तो इस दुनिया में डेवलपमेंट कैसे होगा। इस दुनिया में जो नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, जिसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हजार बार फेल होना पड़ता है, तब जाके सक्सेस की सीढ़ी हमारे सामने आती है, वो काम कैसे होंगे। तो इसका जवाब हमें सिर्फ रिलीजन में नहीं मिलेगा। रिलीजन यकीनन डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन डिप्रेशन का कंस्ट्रक्टिव इलाज, जिसके साथ साथ इंसान की कोशिशों का निगेशन भी ना हो, बल्कि कोशिश भी करे इंसान और डिप्रेस भी ना हो, ये इलाज इस्लाम तजवीज करता है। किस तरह करता है, आइए हम देखते हैं। इस्लाम कहता है कि यकीनन जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है,
जो कुछ होता है वो इंसान के लिए अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारी कोशिशें, इंसान की कोशिश जो होती है वो बेकार नहीं जाती। अगर हम आज की मटेरियलिस्टिक साइंस की जो डेफिनेशन देखें, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क की डेफिनेशन ये होती है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज पर अपने फोर्स लगाएं, अपना प्रेशर लगाएं और उस चीज को डिस्प्लेस कर दें, तो ये वर्क की डेफिनेशन होगी। यानी एक तरफ ताकत लग रही है, प्रेशर लग रहा है, दूसरी तरफ वो चीज डिस्प्लेस हो रही है, वो चीज मूव कर रही है, तो ये वर्क करार पाता है, काम होता है, करार पाता है। लेकिन इस्लाम की डेफिनेशन में डिस्प्लेस होना या काम का हो जाना जरूरी नहीं है। इस्लाम कहता है कि अगर तुमने अपनी अंथक कोशिशें कर डाली है, अगर तुमने अपनी कुव्वत लगा दी है, अगर तुमने अपनी जद्दोजहद कर दी है, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है या नहीं, इस चीज पर हमारी कामयाबी का दारोमदार नहीं है। हमारी कामयाबी का दारोमदार हमारी नीयत पर है, हमारी कोशिशों पर है। और कुरान में कहा गया है कि अगर तुम अपनी पूरी जद्दोजहद कर दोगे, अपने आप को पूरा लगा दोगे, तो फिर नतीजे की जिम्मेदारी जो है अल्लाह ताला पर है, तुम कभी नाकाम नहीं होगे। आज अगर हम देखें तो इंसानियत जो है वो सुकून की तलाश में है। इंसान को जो सुकून मिल सकता है वो इस्लाम के इस कॉन्सेप्ट में मिल सकता है कि कोशिशें करना तुम्हारे इख्तियार में है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अगर तुमने कोशिशें की हैं तो उसका नतीजा तुम्हें इस दुनिया के बाद आने वाली जिंदगी में जरूर मिलेगा। हम देखते हैं कि कुरान में कई अंबिया का जिक्र है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझसे पहले इस दुनिया में कई नबी आए थे और उनमें से बहुत सारे नबी ऐसे थे जिन पर उनकी कौम का कोई भी आदमी ईमान नहीं लाया, उनकी कौम का कोई आदमी भी उनको नहीं माना। तो क्या वो अंबिया नाकाम हो गए? नहीं, वो अंबिया दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो उनका मिशन भले नाकाम हो गया हो, लेकिन आखिरत में वो बहुत ज्यादा कामयाब इंसानों की फहरिस्त में हमें नजर आएंगे। ये चीज अगर हम ख्याल रखें कि अपनी अंतर जद्दोजहद, वी हैव टू गिव 100% ऑफ आवरसेल्व्स, ये चीज अगर हम ध्यान में रखें कि जब हमने अपना 100% दे दिया है तो नतीजे की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, तो हम अपनी पूरी सारी कोशिशें भी करेंगे किसी काम को अचीव करने के लिए, अपने मकसद को अचीव करने के लिए, और आखिर में डिप्रेशन का भी शिकार नहीं होंगे।